साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर उर्फ नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर आज अपना 41वां जन्मदिन मना रहे हैं। कभी 94 किलो के जूनियर एनटीआर को मोटा और बदसूरत कहकर ट्रोल किया जाता था। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। आज वो इतने फिट हैं कि उनकी गिनती सबसे फिट तेलुगु एक्टर्स में की जाती है। जूनियर एनटीआर लोक परलोक से लेकर आरआरआर समेत कई फिल्मों के लिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं। अब तक 31 फिल्मों में काम कर चुके जूनियर एनटीआर जल्द ही ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 से बॉलीवुड डेब्यू भी करने वाले हैं। 8 साल की उम्र में दादा की फिल्म से किया डेब्यू। जूनियर एनटीआर का जन्म 20 मई 1983 को फिल्म एक्टर और पॉलिटिशियन नंदमुरी हरिकृष्ण के घर हुआ था। उनके दादा दिग्गज तेलुगु एक्टर, फिल्म मेकर और आंध्र प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर एनटी रामा राव थे। जूनियर एनटीआर को प्यार से तारक भी बुलाते हैं। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में 1991 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग डेब्यू किया था। अपने दादा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में तारक ने राजा भारत का रोल प्ले किया था। दूसरी ही फिल्म को मिला नेशनल अवार्ड। तारक की दूसरी फिल्म 1997 में रिलीज हुई रामायणम थी, जिसमें उन्होंने 14 साल की उम्र में प्रभु श्री राम का रोल प्ले किया। इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही तारक ने कुचिपुड़ी डांस की ट्रेनिंग भी ली। फिर मात्र 18 साल की उम्र में साल 2001 में रिलीज हुई निन्नू चूड़ालानी से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया। राजामौली ने दिलाई करियर की पहली हिट फिल्म। साल 2001 में ही रिलीज हुई स्टूडेंट नंबर 1 बतौर लीड एक्टर जूनियर एनटीआर की पहली सुपरहिट फिल्म बनी। यह एस राजामौली की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। अब तक अपने करियर में जूनियर एनटीआर ने राजामौली के साथ सिम्हाद्री, लोक परलोक और आरआरआर समेत 4 फिल्मों में काम किया है। चारों ही फिल्में सुपर हिट रहीं। अंध्रावाला से मिला मास हीरो और यंग टाइगर का टाइटल। 2002 में रिलीज हुई आदि और सिम्हाद्री की सफलता ने जूनियर एनटीआर को फैंस के बीच पॉपुलर बनाया। साल 2004 तक तो जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त हो गई कि इस साल रिलीज हुई फिल्म अंध्रावाला के ऑडियो लॉन्च इवेंट पर तकरीबन 10 लाख फैंस की भीड़ जमा हुई थी। इस साल के बाद से ही जूनियर एनटीआर को मास हीरो और यंग टाइगर जैसे टाइटल मिले। मोटापे और लुक्स को लेकर खूब ट्रोल हुए। जहां एक तरफ फैंस जूनियर एनटीआर और उनकी फिल्मों को अपना रहे थे, वहीं कई लोग ऐसे भी थे जो एक्टर को उनके लुक और वेट के चलते ट्रोल करते थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।